होता रहा है, रहा कोई बात नहीं और कैसी जब मां-बाप दोनों पेंटर हो ना तो फिर रंगों का तो पता चल ही जाता है।, है मेरा कोई कमाल नहीं हाँ, रॉयल ब्लू है जी हां ये मेरा कोई ये कौन सा ब्लू है ब्लैक ब्लू इंक ब्लू इंक ब्लू हां इंक ब्लू इंक ब्लू एंड रॉयल ब्लू और मिडनाइट ब्लू मिडनाइट ब्लू क्या होता है जो बिल्कुल जब चांद

टर्कोइज व्हेन यू पुट इट लाइक दैट तो कहां <laughs> <laughs> से शुरू करेंगे टर्कोइज कौन सा थाए? रंग ऐसा होगा जो मुश्किल होगा आपके लिए मुश्किल होगा हां जो आप बोले यार कि ये एक रंग है इस पे लिखना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं सफेद अरे नहीं है सफेद की क्या बात है सफेद में सफेद कहां से शुरू करेंगे दूध से शुरू करेंगे अच्छा और काला तो बड़ा गहरा रंग है काला काला, काला जस्ट मुझे कभी इंग्लिश जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मेरे साथ के लोग कहते थे कि वी हैव आबीती तो नहीं होती थी इंग्लिश में लेकिन कोई भी ऐसे तो मैं ये थी कि, यार राइटर तो वो है जो प, पत्थर भी पड़ा हो ना उस पर भी पूरी मिस्ट्री दिख दे. ये तो तो ए, उसका क्या फायदा कि आप आई लव येलो लोग कहाँ से शुरू करेंगे सूरज की रोशनी से रेड तो खैर रेड तो पैशन लव हेट क्या कुछ कौन? भी आप कोई भी रंग नहीं आप छोड़ दें आप नीला आसमान है नीला, नीला पानी तो, पानी का रंग नीला आसमान नीला आ, परिंदों के पर नीले ग्रे ग्रे रंग ग्रे रंग ग्रे का एक एक डिस्क्रिप्शन बताऊं आपको बताएं जो सिगरेट के धुओं का ग्रे होता है ना उसपे भी एक मजमून लिखा जा सकता है अच्छा जो सिगरेट के धुएं का ग्रे होता है

बिकॉज एक इंसान को आप इतना इतने फैसेट्स उसके दिखा सकते हैं इतनी लेयर्स दिखा सकते हैं इतनी कॉम्प्लैक्सिटीज़ दिखा सकते हैं उसको जब आप फ्लैट कर देते हैं ना कि ये ऐसा है तो बड़ी तकलीफ़ होती है मैं आपको एक बात बताऊँ हर इंसान का जो वो जो जो डिफरेंट फैसेट्स होते हैं ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उम्र के मुख्तफ़ हिस्सों पे बाहर आते हैं जी। so, जरूरी नहीं है कि एक इंसान हर वक्त अपने जिंदगी के सारे फैसेट्स को जी रहा हो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर hmm. पीरियड गुजर जाता है उम्र का और वो तवील भी हो सकता है वो छोटा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में वो काफी तवील नहीं हो, कोई। तवालत इख्तियार कर जाता है तवालत इख्तियार कर जाता है अब दस साल एक इंसान एक ही जोन में और ऐसा हो भी सकता है मुश्किल तो है हो सकता है पांच हाँ। साल इंसान एक हाँ। कुछ लोग हैं वो खुदा ना खासा, हमारे ड्रामो में इतनी कोई डीप थिंकिंग नहीं हो रही होती कि एक इंसान अगर कोई एक बहुत दौर से गुजर रहा है तो इस वजह से उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा दिखाया खिलाड़ी बारहवा खिलाड़ी पे आते हैं आज हम

कंस्पायर कर रहे हैं खान साहब को पावर से हटाने के लिए विद आर लोकल पॉलिटिशन तो काफी मुल्क का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ा है हमारी दुआ ये है कि पॉलिटिशन जो भी करें आपस से आपस में हमारे मुल्क को कुछ ना हो हमारे मुल्क को नुकसान ना हो जो कि बड़ी एक

बच्चों का एक कॉर्नर था वहाँ पे बच्चा पार्टी जिसका नाम था वहाँ पे बैठ के बच्चे कहानियाँ सुन रहे थे वो बहुत क्यूट था एक डोंकी पैटिंग बेबी डोंकी जू था वीट तो वो वहाँ पे बहुत लंबी कतार थी लोगों की जो कि अपने बच्चे लेके दे वांटेड टू मीट डोंकीज एंड आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आपने देखा है कि अब वो नज़र आना कम हो गए हैं जो अपने बचपन में देखते थे कि एक गदा गाड़ी पे आसमान तक ऊंचा बोझ होता था जो कि छोटा सा एक गदा लेके उसको खींच रहा होता था मुझे अब कम नज़र आता है एंड इट्स बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक एस ए सी जिसकी वजह से अवेयरनेस आ रही कि यार जानवरों पर म नहीं करें और इनका बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम है डॉग्स को वैक्सीनेट करने का एंड सो दे डू लॉट ऑफ वर्क इन कराची एंड मैं तो गई भी हूँ शेल्टर हमने लास्ट ईयर वैलेंटाइंस डे पे वीडियो भी की थी तो

नंबर नाइन पे और थर्सडे फ्राइडे तो नंबर वन पे जा रही थी जी जी तो वेल डन टीम मेरे हम सफर जी और ऑफ कोर्स हम बात करेंगे सिंफेहान की एक और किस्त की जी जिस पे मुझे दोबारा मैं कुछ अपने जिस जज्बात आपसे ऐसे साथ शेयर करना चाहूंगा ओ, उस किस के बारे में जी और फिर हमने देखी अभी अभी थोड़ी देर पहले संगे की एक और किस्त देखी जिसके बाद मैंने उसका प्रोमो देखा तो मैंने कहा यार ठीक है आएंगे उस पर मैंने मेरा मैंने कहा यार आ, ओके ठीक है बात करेंगे उस पे। मैंने आ, दिले मोमेंट की भी दो किस्तें देखी बिकॉज मैं लाहौर में थी और अम्मी सलाम अम्मी बहुत फॉलो करती हैं रिलीजियसली अच्छा। जी बहुत अच्छा मैंने एक बार नोटिस किया जी अमिया सारी जियो देखती हैं जी अमिया सारी जियो इसकी क्या वजह जरा अच्छा दिले मोमेंट पे आएंगे मेरी अम्मी भी जियो प्रेफर करती जी तो मैंने वो देखी और उसके बारे में मैं एक बात जो है ना वो बहुत 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 फोर्सफुली कहना चाहूंगी जब हम उसपे आएंगे तो जब हम आएंगे ठीक है मुझे मुबारक नहीं आपको बहुत मुबारक हो होने <laughs> कोई मेरे ख्याल में 26 या 25 या 24 या हफ्तों या के बाद आपने हिम्मत की और इसलिए कि थैंक यू वेल अभी मैंने एक किस देखी है लेकिन हाँ ठीक है

इन ऑल ऑनेस्टी मैं साथ साथ देख रहा हूँ दास्तान राइट right. तो मेरा जो इंटरेस्ट uh, आप ही नहीं कहा तो आप बड़ी चीज हो हसन क्यों अब लोग हैं ओ माय गॉड आप ना छोड़े मिसेज एंड मिस्टर शमीम आप हसन के साथ दास्तान नहीं, नहीं मिसेज एंड मिस्टर शमीम का हम ये कर सकते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में अभी 25 किस्तें मेरे लिए इस वक्त 20 किस्तें 20, 20 किस्तें किस्ते किस्ते फॉरन देखना पॉसिबल नहीं है तो जितना मैंने देखा है जितना अपना, आपने देखा हम उसके ऊपर एक तब मैं खत्म कर दूंगी ठीक है तो मेरे ख्याल है हम कर लेते हैं ठीक तो तो है आप कर ले, ले मैं कोशिश करूंगा मैं क्योंकि दास्तान पे मेरा ज़्यादा दास्तान रोक रोक लेना जरा मैंने छह सात किस्तें दास्तान की देख मैंने भी देखी हुई है छह सात किस्तें हाँ मैंने रोक लिया था आप भी रुक जाएंगे

हम ऑब्वियसली आपकी मुलाकात भी कराएंगे सारे सेलिब्रिटीज के साथ और इन ड्रामों के ऊपर भी खुल के तबसरा भी होगा रिव्यू भी होगा क्रिटिक होगा जो कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए आपको कहीं जाएगा बाद में आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद जी हसन कहाँ से आप शुरू के बारे में क्या आपके जी मैं फोर्सफुली दिले मोमन के लिए ये कहना चाहती हूँ के ड्रामा तो जो है वो है और पता नहीं कितनी किस्तें उसकी सौ हो चुकी हैं अब तक और स्टोरी वाइज तो वो अब वो फंस गया है कि योर आइदर टीम आशी और टीम माया बिकॉज ही हैज़ नाउ टेकन अ लाइकिंग टू माया उसको नज़र आ रहा है कि वो बहुत बदल गई है उसने बहुत तोबा तिल्ला भी की है और वो वाकई नेक हो गई है और वो उसे बहुत इश्क हद हाँ तक मोहब्बत करती है तो उसको ये नजर आ गया है सारा मगर उसने कहा है मुझे थोड़ा थोड़ा वक्त वक्त चाहिए चाहिए करने के लिए जी, जी, okay. थोड़ा चाहिए। कुछ उल्टी गंगा वेरी 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 है मुमिन की लेकिन माया 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 ओके गुड हाउ डू यू नो नो शी लुक्स कंटेंट कंटेंट It's how you said it. it's how, no, it's not. it's how you received it. and uh, maya is very content. but what i wanted to say was that i think that Madiha imam is one of the most graceful actors we have on television today. underperform she's just right and and she looks so good. in that simple um, state. maya, wife of momin एक सिंपल सा उन्होंने शलवार कमीज़ और दुपट्टा और एक जूड़ा उन्होंने बनाया हुआ है जिससे उनकी बहुत ही खूबसूरत गर्दन जो है वो शी लुक सो डिग्निफाइड एंड सो प्रिटी एंड अ परफॉर्मेंस इज सो मेजर्ड इट्स जस्ट अ प्लेजर टू वॉच हर

लेकिन अब जो उनका एक बन गया है एक पिक्चर जो वो पेश करती हैं वेरी दिप, वेरी yeah. ब्यूटीफुल ठीक है गुड 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 या बारवा खिलाड़ी जी बारवा खिलाड़ी आई लॉट से बारवा खिलाड़ी जो लोग देखना चाहें जी। अच्छा जी। तो अब ये है की ये सातवी और आखिरी किस्त थी जिससे पहले हम हर हफ्ते दो किस्ते देख रहे थे इस हफ्ते एक ही किस्त आई और अगर आप लोग हमारे रिव्यूज देखते आ रहे तो हम आप

एंड uh, उस पर वो ख़त्म होना था अच्छा आप बाकी बातें मैं आपसे बाद में पूछता हूँ और मैं आपका... अच्छा लेकिन आपकी इसका तबसरा शुरू करने से पहले मैं स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगी बिकॉज इफ़ टोडी ठीक है तो बहरहाल आप अगर बारवा खिलाड़ी देखना चाहते हैं आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो बेहतर यह कि आप स्किप कर लें क्योंकि हम बात करेंगे इसके बारे में बट इससे पहले कि आप स्किप करें क्या आपको बारहवा खिलाड़ी देखना चाहिए स्टिल या नहीं देखना चाहिए तो हाँ आपको जरूर देखना चाहिए इवन आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड बल्कि इट्स हाईली रिकमेंडेड सो मैं आपसे ये पूछा था नाउ स्पॉयर अलर्ट अगर आप देखना चाहते हैं बारहवा खिलाड़ी तो बेहतर ही आप रिव्यू स्किप कर दें मैं आपसे ये पूछना चाहता था आपको क्लाइमैक्स अंडरवेलमिंग लगा या नहीं मुझे क्लाइमैक्स अंडर में नहीं लगा जिस रियल टोन पे पूरा ड्रामा चल रहा था उसी रियल टोन पे वो ख़त्म हुआ um, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा मिसहैप होगा या एकदम जिसकी वजह से अकबर गेम में खेलेगा वी न्यू दैट क्लाइमैक्स तो तभी था, था कि वो और जहांगीर दोनों पिच पे एक साथ होते हैं so सो वो था बट आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द एंडिंग आई एम वेरी हैप्पी विद द वे दे प्लेड विद इट बिकॉज दे दे मेड इट वेरी दे दैप्टड रियल द कैप्टड रियल वो जो एक सीन वो डालते हैं अगर आप ये के कैरेक्टर को देखें अभी तक हमें लग रहा था यू नो अब स्नॉबिश है एंटाइटल्ड है ब्रैट है बदतमीज़ है एथिक्स भी नहीं है वो सब कुछ नहीं था मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने पैसे दे दिए नसीम जॉन को उसकी माँ के ऑपरेशन uh, के लिए तो उस पर वो कहता ना कि यार बुरा हो इतना बुरा नहीं हो तो कहते बुरा हो तो बहुत ही बुरा हो तो मतलब है कि हर बुरे इंसान में भी एक अच्छी स्ट्रीक होती है एंड देन द लास्ट ओवर ऑफ कोर्स व्हेन ही इज़ जस्ट नॉट गिविंग द अदर प्लेयर द वन रन

जहांगीर को हम जो देखते आ रहे हैं वो अपने ही हिज हिज ब्रिजेस विद फ्रेंड्स बर्निजोर वो सब कुछ तो साढ़े छोडअप आखिरी के दो बॉल्स में आपने ये है रिडीम कर दिया ये है। तो वो इतना टाइम आपने नहीं दिया इवन दो आपने ले कर दी थी कि वो इतना बुरा नहीं है हमेशा से ग्रे था उसने हेल्प भी कर दी नसीम जॉन की बट एक बॉल में लाइक इट्स लिटरली लाइक वन बॉल जहां पे उसको बाप का भी फ्लैशबैक आया और उसने रियलाइजेशन भी हो गई और वो बदल भी गया उसने वो रन ले लिया और उसको स्ट्राइक दे दी और वो छक्का मार के जीत गया उससे एक बॉल पहले तक वो कह रहा था मैं तुझे हीरो बनने नहीं दूंगा कर, सही है। जब आपने हमें एपिसोड उसका build -up ये और ये वो कहता है एक बॉल के अंदर ऐसा क्या हो गया ये कोई भी इंसान एक और वो इतना पिविटल मोमेंट ठीक है था फाइनल था एक वो मैच था बट अगेन इट्स नॉट एज इफ ठीक है उन लड़कों के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है बट व्यूअर के लिए इट्स नॉट लाइक अ वर्ल्ड कप का फाइनल yeah. पाकिस्तान इंडिया yeah. के खिलाफ yeah.

चांस टू परफॉर्म मोर के एक बॉल में आके आप करते वो भी kind of, पिछले अच्छा, मैच में जहांगीर ने अठहत्तर रन कैसे बनाए भाई जुनेर ने खाए ने जुनेर ने खाए खाए सोचे आप जरा छब्बीस अठारह अठहत्तर रन तो था एक छोटी सी बहुत ही छोटी सी बात है वो कमेंटेटर एक जगह पे कहता है दिखाया ना <coughs> अच्छा नहीं नहीं। तो, तो से जो, दिखा जो सेमीफाइनल था हाँ। उसमें बताना चाहिए था की कि कितना रन ये लोग चेज कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं बताया ये भी नहीं बताया शुरू में कि इनिंग्स ये पहली खेल रहे हैं या दूसरी खेल रहे हैं और आर द चेसिंग टोटल और आर द सेटिंग टोटल विद इन नो

नहीं कह रहा था कि इसमें आपने ये भी किया कि आपने जहांगीर को कभी भी फॉल्टर करते नहीं दिखाया हाँ। मतलब एक इंसान पर्ची पे आया हुआ है हाँ। तो जो हीरो है हीरोपोजिटली हीरो है वो डक पे आउट हाँ। हो गया लेकिन जहांगीर एक हाँ। बॉल भी उसने कभी मिस नहीं की सिवाय हाँ। उसके कि जब वो अपनी सेल्फिशनेस में मिस कर रहा है हाँ

तो जिस हिसाब से ये बनी हुई है एक वेब सीरीज जो इसका मकसद है कि यार कि एक यू नो अंडरडॉग अंडरडॉग की की कहानी की कहानी किसको नहीं पसंद है हम जी बिल्कुल अंडरडॉग की कहानी जबरदस्त है सबसे बड़ी बात यह सेवन एपिसोड्स में ये स्टोरी रैप अप हो गई अगर इसी स्टोरी को आप बाईस एपिसोड पर खींच दें या चालीस एपिसोड पर खींच दें आप गालियाँ निकाल रहे होते हैं एंड पे सो आई थिंक कि हमें बहुत बड़ा बहुत ऊंची आवाज़ में वी नीड टू एडवोकेट द रिटर्न ऑफ द शॉर्टर सीरियल

जिसमें वो डक पे आउट हो गया हाँ। आप डायरेक्ट फाइनल पे भी लेके जा सकते थे हाँ। बीच में वो के अच्छा अब लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन है उसके लिए जहांगीर हाँ। के लिए हाँ। अब वो परफॉर्म ना किया तो बिल्कुल आउट हो जाएगा मतलब इसको भी थोड़ा सा स्क्वीज़ आप कर सकते थे बट उसकी जगह आप जहांगीर के ऊपर थोड़ा सा टाइम और लगा देते

जफर एंड आई एम ऑल्सो वेरी इंप्रेस बाई कि हाशमी मेरा अनफॉर्चुनेट जैसे मैं पहले बता था उनका और काम नहीं देखा हुआ बट अब मैं जरूर कोशिश करूंगा की मैं किन्जा का और काम देखू

एज असिस्टेंट कोच नादर वॉज वेरी गुड फवाद बड़ा काम कर रहे हैं जब तो बहुत अच्छा जब वो भी... बहुत काम करते हैं और उनके प्रेजेंस से और फवाद खान के भी कैमियों से आपको ये अंदाजा होता है पता चलता है कि मैंटोर्स कितने जरूरी है लाइफ में खासतौर पर स्पोर्ट्स मैन के बट हर शोबे में मैंटोर बहुत जरूरी हैं

Um, as a star, star slash actor, वो उन पर आके ऐसे करके बैठता है कि उनके पास माशाला से शक्ल भी है उनके पास परसोना भी है उनका और भी है उनके पास अदाकारी है।, है यार सबसे बड़ी बात है उनके पास अदाकारी है ट्रेजिडी um, वो कर लेते हैं कॉमिक टाइमिंग उनका ज़बरदस्त है डांस करते हुए हमने उनको देखा है रोमांस तो है खत्म है ऐसा कौन है बंदा पाकिस्तान में जो नहीं चाहता कि वो फवाद खान को रोमांस करते हुए देखे तो अगर uh, मुझे कहते हैं कि जी आप बायस हैं तो ना तो जी ना देखें तो अगर वो कहते हैं आप बायस हैं तो मिलोड आइंगल्टी आया 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 � That's all he does and I think we've spoken about this earlier in some other For some other, I think hamsafar or something Yeah that It's the way that he looks up I felt he was too posh to be living in Hajiabad <laughs> I stand by that That's your sure off-screen But it's all, always a pleasure to watch him It's so I would never say that I wish that Fawad Khan should not have been there Whatever work Fawad hai. Khan has done, <laughs> he has done a very good and skillful work So that's why it's the wish of the viewers and those who want to see him again So now he's deprived so

बहुत अच्छा काम कर रहे है दोनों आ, एक है निगार पहले भी हमने बात की उन्होंने अभी रिसेंटली प्रोड्यूस किया तो सोच के समझ के प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं बहुत अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हैं उम्मीद है कि वो इस तरह का और मजेदार अच्छा कॉन्टेंट बनाते रहेंगे शायद डोगर ने लिखा अदनान सरवन ने डायरेक्ट किया कोई रीजन नहीं आप ना देखें सो गिव इट अ ट्राई फ्रेश फेसेस यंग बॉयज एंड सेवन एपिसोड इन ओवर एपिसोड भी 35 35 मिनट के चलते हैं ओके मजे की स्टोरी है लाइट like हाँ। सी si, थोड़ा रोमांस है थोड़ा यू you नो know, अच्छा रोमांस हाँ, अच्छा है हां अच्छा रोमांस अच्छा रोमांस है और फवाद खान काम है जो कि बहुत है <laughs> तो उसके लिए जरूर देखें सो वेल डन टीम खिलाड़ी आप सबको बहुत मुबारक हो एंड आई होप मैंने व्यूअर्स uh, का भी फीडबैक आ रहा था तो मैंने uh, मायरा को और नीना को दोनों को मैंने आपके पैगाम पहुंचाए और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किए कि कुछ महीने बाद अगर पॉसिबल हो सके तो शायद यूट्यूब के ऊपर एपिसोड शेयर कर दें कर दिए जाएं या कोई और तरीका इख्तियार किया जाए या जो लोग बाहर के मुल्कों में हैं

हम सफर। मेरे हम सफर पे आमना ना ऑडियंस जो है वो डिवाइडेड है कुछ कह रहे हैं यार ये क्या ड्रामा है कुछ कह रहे हो हम रहे हैं भाई मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ मेरे हम सफ़र और मैंने बड़ा सोचा है इस चीज़ पे कि यार हम लोग इतनी बैठ के तनकीद करते हैं ड्रामो पे और इतना उनको माइक्रो uh, ऑब्जर्व करते हैं मैं मेरे हम सफर क्यों इंजॉय कर रही हूँ और मैंने आपको याद होगा पहले की कुछ एपिसोड इंजॉय नहीं की थी और उसके बाद से मैंने एंजॉय करना शुरू किया स्पेशली देखने वाले थे वेरी गुड क्वेश्चन शाबाश वजह ये है दैट एक तो ये है कि एवरीबडी लव्स अ फेरी टेल एंड दिस इज हम बात कर चुके यही बात है दिस इज अ सिंपल फेरी टेल विदाउट एनी एनी कॉम्प्लिकेशन आप कहते हैं ना फेरी टेल है लेकिन आपने उसमें थोड़ी मिस्ट्री एंड ट्रीक डाल दी है या नहीं डाली फेरी टेल है लेकिन आपने उसमें सोशल कॉज डाल दी या नहीं डाली यहाँ इट्स अ सिंपल फेरी टेल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल अब आप कहेंगे जी पहले कुछ अपीसोड मैंने बड़ा सोचा कि हाला अब अनोइंग क्यों नहीं लग रही एक तो यार आई हैव टू से हानिया हैज़ इज़ ब्रिलियंट इन दिस कैरेक्टर शी इज़ सच अ गुड एक्टर हियर आपको नज़र आता है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उनकी जो आई मूवमेंट है वो कॉन्सटेंटली होती है चेंज होती है विद विद हाउ शी इज़ रिएक्टिंग एंड हु शी इज़ टॉकिंग टू ऐसे वो बैठी हैं इस रोल में इट्स अ प्लेजर टू वॉच हर इट्स अ प्ले एंड शी इज़ योर हाला अगर ये मिस कास्टिंग हुई होती ना और आप कोई भी ऐसी अदाकारियाँ डालते जो कि छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी अ, गुड़िया।, गुड़िया हाला ना लगती आप ये ना देख पाते। पातेट देन योर हीरो बिल्कुल गुडा गुड्डी लगते हैं दोनों आप चाहते हैं उनको देखना आप उनका कोई चाहते हैं। उस तरह के नहीं है जरूरत ही नहीं है

ये तो मिल गए हैं अब लेकिन अब आफ्टर तो अभी नहीं शुरू हुआ खत्म तो नहीं हुआ ड्रामा अभी तो ये कौन सी एपिसोड थी 13वीं एपिसोड थी अब क्या होगा नाउ दे विल Unite एंड देन दे विल सेपरेट एंड देन दे विल Unite अगेन एंड एंड हियर हियर योर टीडीएम बिगिन जो कि अगले एपिसोड के प्रोमो से अंदाजा हो गया जी हियर योर टीडीएम विल बिगिन चची जो है या ताई वो कुछ करने वाली हैं आप जी बिल्कुल

दूसरी चीज़ ये कि मुझे थोड़ा सा समीन का जो रिएक्शन है ना वो हज़म करने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज यू शो नॉट टू बी अ वेरी इमेंसिपेटेड एजुकेटेड गर्ल उसका जो है ना कि हाई वो उसके कमरे में अकेली होगी वो मुझे थोड़ा सा नहीं हो रहा है मैंने पिछले हफ्ते ये बात आपसे की और मैं दोबारा इस पर आने वाला था इससे पहले आपने पहले मैंशन कर दिया कि जब वो उठती है एकदम सो के और वो रोना किसी ने कहा कि जी कमेंट सेक्शन में अपना पढ़ रहा था किसी ने कहा यार कि आपको क्या पता ऐसा होता है और उसका रिएक्शन है बड़ा नेचुरल है तो अगेन उसका रिएक्शन अपसेट होना नेचुरल है वो समझ में आता है बट एक्सटेंड होती है ना डिग्री होती है जो हम बात करें कि अब जैसे जहांगीर की हम बात कर रहे थे बारवा खिलाड़ी में एक बिल्डअप होता है कैरेक्टर का तो ये कैरेक्टर का बिल्डअप बिल्डअप हमारे अपने दिमागों में तो नहीं होता ना ये तो

तो बहुत एंड ताया जान जो है वो थोड़ा सा उन्होंने अपना बैकफुट बैक पे आए हैं क्यों इसलिए उनको ना कि खिदमत भी करेगी मेरी है तो भतीजी और जो भाई पैसे भेज रहा है वो भेजता रहेगा अच्छा लेकिन ताई जी ने बड़ी और एक बात की जी उन्होंने कहा कि बेटे को तो लुभा दिया बाप को भी लुभा दिया और फिर वो कहते हैं शर्म करो भतीजी है मेरी मुझे ताई का ठीक है बिल्डअप आपने उसबार से किया है हाँ। बट इस तरह की बात फिर भी आप हाँ चीप बात ना करें तो कोई चीप, है है। अगर चलो आपने दिमाग में सोची भी थी राइटर ने कि ये कैरेक्टर से मैंने बुलवानी है बात तो कहीं कहीं मतलब जरूरी नहीं है और ऐसा चलो आप फिर वो आर्गुमेंट आएगा जी हाँ। ऐसा तो होता है ये कैरेक्टर वो ऐसे बात करते हैं बट कहीं ना कहीं हम भी हमें भी वो लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए ना कि जो असल में होता है वो भतीजी है, आप है? आप जवाब ना देते ना कि शर्म करो क्या बकवास कर हो मेरी भतीजी है तो फिर हम आप वो छोड़ भी देते कि चलो किस कॉन्टेक्स में बात की बट देन यू पुट ऑफ सील ऑन इट में बात की इसलिए ताया ने आगे से ये जवाब दिया बाय

जी सो so, सिंफान आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत मैं वाले और जोश के साथ सिंफान के बारे में कहना चाह रहा था मैं जब ये ड्रामा देख रहा था ये ये किस ये वाली जो किस देख रहा था दो चीजें मैंने मुझे हिट की देखते हुए एक तो ये आप ना अभी हम बात करते आ रहे हैं आज के रिव्यू में भी हाउ रिफ्रेशिंग इज इट फॉर अस टू सी ऑल दीज गर्ल्स ऑन आर टीवी स्क्रीन नॉट क्राइंग ज में जा रही है यू नो ऑल ऑफ दिस इज सो इंटरेस्टिंग और पाकिस्तानी yeah. स्क्रीन के हिसाब से करेक्ट मिफ आई एम रॉन्ग इस तरह का प्रोग्रेसिव कॉन्टेंट जहां पे लड़कियों को इस लाइट में दिखाया जा रहा है फीमेल किरदारों को इस लाइट में मेरा नहीं ख्याल पहले बहुत कम होता है इस नॉइस इस एक्सटेंट पे तो मेरा नहीं ख्याल पहले कभी हुआ होगा ये कितनी रिफ्रेशिंग और इंटरेस्टिंग बात है एब्सोल्युटली व्हिच इज व्हाई इट्स सो मोटिवेशनल राइट या लाइक यू नो वो पूरी जो उनको और एक्चुअली ये सारे एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टंट्स किया है कुबरा ने मेरे इंटरव्यू में मेंशन किया था कि हाँ। में हाँ। वो, वो कि जीतने नहीं देना मैंने जीतने so well हाँ, so हाँ। हाँ। बड़ी एक जबरदस्त बात है और इसको हमें इनकरेज और अप्रीशिएट करना चाहिए वही वाली बात है लोग कहते हैं भाई रेटिंग्स ही तब आती है जब थप्पड़ मारे

नसर ने खाली उस बच्ची के बाइपोलर होने के रूमर पे बजाय बगैर उससे बात किए और वो भी किसी हेल्पर के हाथों चीजें वापस भिजवा दी ये क्या तरीका था और माँ बाप का? को भी कोई नहीं कोई बड़ा नहीं। मुझे हुई नसर के कैरेक्टर से अब बंदा बात तो कर लेता है

नहीं नहीं वो वो भी कप्तान शान है यार अच्छा शायद उसको सिर्फ ऑर्डर सुनने की आदत यू नो कोर्ट मार्शल ना हो जाए अगर सोचे बैठ के खुद से कि जी माजबीन जो है वो सच बोल रही जूठ लेकिन यार नसर की की था। ना, नसर चंगा नहीं की था। चंगा नहीं था। चंगा नहीं था यार। क्यूट uh, <laughs> जी भी 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 हमें नजर आई आसिम की की ऑन स्क्रीन स्क्रीन ऑफ मंगनी हुई बंदे ये भी नहीं बात सिर्फ पक्की हुई है हाँ. पूरा फंक्शन आपका हुआ आपने है आप चीजें वापस भिजवा देंगे

इस बात की मुझे हाँ. खुशी हुई हमने पिछली बार कहा कि हमें रबिया की समझ आ रही है या नहीं आ रही है रबिया को अपनी समझ आ गई हाँ. उसने माफी मांगी हाँ. लेकिन मुझे इस बात की अभी भी समझ नहीं आई कि अगर उसको गलती पता चल गई तो तब उसने होने क्यों नहीं दी मंगनी दानिहाल की और लाइक like, मुझे अभी तक वो रीज़न समझ नहीं आया कि उसने इनकार क्यों किया है? दाने दान्याल और महाजबीन की मंगनी होने से लाइक वट वॉज द रीज़न बिकॉज जब उसकी माँ ने कहा था कि यार उन बड़ा फ़र्क है वो अमीर है हम भी अच्छे हैं लेकिन तो उसने काउंटर किया था उसने बोला था इतनी कोई बड़ी बात नहीं है एंड शी ऑब्वियसली न्यू दैट महाजबीन वॉज इंटरेस्टेड बिकॉज़ ऑफ़ ओनली वन बिटवीन कैरेक्टर एंड के उसने डिसाइड कर लिया के माजबीन चीट कर रही है क्या मतलब उसने भी माजबीन से बात नहीं की ना पूछा नहीं पूछ सकती थी ठीक है मान ली बट रीजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ रबिया ने ऐसा क्यों किया जी, जी ऐसा ही है बट माजबीन से आपने एक्सपेक्ट किया था जो उसने किया जी जी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर है ऐसे ही होता जी जी बिल्कुल

और में तीनों की दोबारा तारीफ करना चाहूंगा अपना सवाल आया ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं आपको ओपिनियन ले रहा हूँ इसके ऊपर ये जो दिखाया उन्होंने कि रबिया और महाजबीन की प्रीवियस जो लड़ाई थी

कि arkadaşlar ने तो आप ठीक है मैं अगेन आई सेड इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म आई जस्ट आस्क आई डोंट नो आई एम फाइन विद इट आई थिंक इट्स इंपोर्टेंट टू सॉफ्टन इट एज वेल ऐसे तो नहीं ना कि वो बिफोर दैट इट हैड टू बी लाइक अ बॉय सिचुएशन लाइक इट हैड टू बी एन इमोशनल सिचुएशन इट डिडंट हैव टू बी अ बॉय सिचुएशन इट हैड टू बी इमोशनल अब या एंड कुब्रा का बाय द वे इमोशनल ट्रैक मां-बाप के साथ भी बहुत आपने देखा है यू सी दैट एसेंशियली ये तो है ना कि इस दिस फॉर अपील टू द व्यूअर मोर अगर आप माँ बाप का देखते जाते हैं इमोशनल वीकनेस की तो आप बोर हो जाते हैं बट यहाँ पे ये है कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन अ रोमांस एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन द गर्ल बॉय स्टोरी सो दिस टू प्ले बट इट्स नॉट अ प्ले ऑन लड़कों की प्रॉब्लम इट्स अ प्ले ऑन लव इमोशन ठीक जी मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये एक बड़ी डिबेट चल रही है और हमारी भी जब मुलाकात होती है uh, डिसीजन मेकर से और जो पोजीशन ऑफ पावर में है जो कंटेंट डिसाइड कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि रेटिंग्स की बड़ी गेम है जी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप सिफेन को कर रहे हैं तो ज़रा खुल के उसका इजहार करें ताकि फोकस इस तरह के ड्रामों की तरफ मजीद शिफ्ट हो और अगर आप इस तरह के उसमें हैं कि यार आप देख रहे हैं आपको ज़्यादा अच्छा नहीं भी लग रहा लेकिन बुरा भी नहीं लग रहा तो फिर भी थोड़ा सा इंकरेज करें उसको क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट the drama drama per se but also about the depiction of female characters on our TV screens so just the mere fact फैक्ट हमारी खुतिन को इस तरह के रोल में दिखाया जा रहा है वेर देर यू नो ट्रेनिंग टू बिकम आर्मी ऑफिसर ये बहुत अच्छी बात है तो नहीं आगे नहीं। चल के हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोई ऐसा ट्रैक हो जिसमें किसी की पायलट बनने की जर्नी दिखाई जाए या डॉक्टर बनने की जर्नी दिखाई जाए और लॉयर बनने की जर्नी दिखाई जाए तो अगर ऑडियंस अप्रिशिएट करेगी तो ही जो ड्रामा मेकर्स हैं वो उस तरफ भी फोकस करेंगे तो थोड़ा सा इसके करें कमेंट करें थोड़ा सा इसके बारे में पॉजिटिव दिल खोल के दिल खोल के लिखें ताकि जो देख रहे हैं उनको इनकरेजमेंट हो कि यार हाँ हम ऐसा कंटेंट बना सकते हैं बल्कि मैं तो दोबारा यह कहना चाहूँगी मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आई वुड लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ मोटिवेशनल कॉन्टेंट कमिंग फ्रॉम ऑल्सो दिविलियंस आई एस पी आर ने ड्रामा बना दिया तो आ, आप, आप आगे कुछ और भी कर हमारे आई एस पी आर तो अपने बारे में प्रोड्यूस करेगा ना अपने लोगों की एस सेट आप लोग करें और काम एक्ट्रेस के ऊपर क्यों नहीं बन सकती पूरी सी ड्रामा बने एक्ट्रेस में आप ऐसे कास्टिंग कर देते हैं जैसे आपने बजरा में की है आप उनको डेलीगेट कर देते हैं ये तो काम ही ठीक नहीं है आप उनको उस लाइफ में दिखाते हैं अनफॉर्चुनेटली

बट मोमिना की वो जर्नी तो थी जी तो वो अच्छा था so again, you know, अलिफ की भी हो सकता thank you, आपने किया, ये हो सकता है थोड़ा सा इस पे फोकस थॉट थोड़ प्रोवोकिंग कंटेंट बन सकता है बन सकता है और लोग अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि जी। करें जी मूविंग ऑन टू आमना जी फाइनल ड्रामा ऑफ आवर रिव्यू जी संग

वो नहीं जुड़ी हुई कहीं एक 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 छोटा सा जो uh, है ना तो, क्ट तो दो बोगियां आती है ना वो करके ऐसे जुड़ती हैं जब डक वो डी नहीं हुई नहीं हुई हाँ। वो हमसे हो गई की कबुई कब हुई हम लोग बड़ा अच्छा रिव्यू

ये सवाल उसके अंदर एक फिलोसोफर आई है हमें पता है हाँ. हाँ, के अंदर तो वो सवाल उसने क्या किया पैदा कि हाँ किया पैदा किया, किया, किया पहले पैदा किया फिर यतीम किया फिर उस घर के नमक खिलवाया जिस घर में मेरे बाप का कत्ल हुआ बाप के बाप दिया और फिर उसके ये बता दिया कि वो बाप का कतल भी बाप का कतल है फिर छोटे भाई का

प्रोमो में ये बताना जरूरी था आपको क्योंकि मुझे एक्चुअली लगा लगा कि वो गया नहीं, गया, नहीं, गया नहीं नहीं तो जा सकता मुझे मस्जिद में जब हुआ तो इंसान बच जाता है आप देखिए हर ड्रामे में देखा कि छुरी से बदना नहीं मरता पता नहीं आपने किधर देखा आप छोड़े आप दुआ गोली से नहीं मरी हाँ। गोली उसे गर्दन में गोली रख पे गोली लगी वो बच गई बादशाह ना बहा और यहाँ भी हिलमन जो थे पीछे तो आ रहा है नशे में था हाँ। लेकिन इतना टोन नहीं था एकदम जाता है मुझे लगा बचा लेगा अपने आप को नहीं नहीं बचा सका लेकिन तो बेसिकली मस्तान सिंह ने किया जी और मस्तान सिंह जो है जो वो जो आपको याद होगा तीसरी चौथी पांचवी में वो जाने लगता है खंजर लेके तो फिर क्या होता है रुक क्यों जाता तो बीच कुछ कुछ में रह जाती है बात जब उसको वो पैगाम देते हैं उसके अबू उसकी गर्लफ्रेंड के तो उसको ख्याल याद आता है मैंने तो बंदा मारना था

आई नॉट लाइकिंग शहजाद ज़्यादा फ्री हो गई यार नहीं इस एपिसोड में तो ये बड़ा स्ट्रेंज था उसका कहना कि मुझे घर मिल गया तो मैंने मतलब सोचा एक बाइक इधर से घर मतलब है कि कि, 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 कि। और वो भी कह रहा है अगर वो हिलमन ज़रा नॉर्मल होता मैं तुम्हारी से शादी करा देता

महाराज दरगोना नहीं है भाई गिरदार संगा ने गिरदार संगा ने हाँ जी वो तो हसन चौधरी ने हसन को चौधरी को आप जितनी आपकी दफा बात में सुन सोचती हूँ आपकी सही लगती है मजान ने नहीं मारा मजान का तो रिएक्शन आपको लगता है कि नहीं मारा बिकॉज उसका रिएक्शन जो था ना एंड पे जब वो सुनता है हेलमंद का तब भी खाए वो इसलिए भी हो सकता है कि उसको लगा कि हिकमत ने मारा है और को जो लेकिन वो कि अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तेरा थप्पड़ों से मुंह पहले मुझे लगा कि बोलेगा मैं तुझे मार दूंगा हाँ। लेकिन कहा तो थप्पड़ों से मुंह लाल कर दूंगा <laughs> मैं कहा अंकल <laughs> मतलब ये तो कोई बात नहीं आपने की कि मैं थप्पड़ों से लाल गग करने बेचारे कैंसर का सौ कोड़े आपने मार दिए सौ बीस, एक सो बीस कोड़े आपने मार दिए तो कह रहे मैं थप्पड़ों से तेरा मुंह लाल कर दूंगा <laughs> नहीं अंकल ये बात मुझे सही नहीं लगी <laughs> <laughs> ये आपका जस्टिस सिस्टम थोड़ा कमजोर है <laughs> नहीं नहीं यहाँ पे आप थोड़ा हल्का इस एपिसोड में लिहाजा कई चीजें डिस्कनेक्टेड थे

जी बिल्कुल। जो जरगुना में तब जी बिल्कुल। वो हमने डिस्कस था किया था, था कि, कि वो गुलमीना को जब उसने देखा और जो उसको अपिफनी हुई कब हुई अपिफनी अब आने लगे हर रिव्यू में उसको समझ हमें लग गई कि वो कहाँ पे हुआ है तो ये थोड़ा सा वीक है आ, बाकी ओवरऑल अगर किस देखी जाए तो मजे की किस्त थी ये भी कुछ मस्जिद के ऐलान भी थोड़े से ओवर थे

तो उसने कहा कि पश्तो की इज्जत और पश्तो के पश्तो के खिलाफ है तो इज्जत की चलो कोई बात करे वो ठीक था बट उसमें ये जरूरी नहीं, थोड़ा सा है। हाँ, जब, ये जब, नहीं जब था लेकिन और जहाँ पर खासतौर पर जब शहजाद गुलमीना से कहना जाती कि तुम जो बात करके अगर अवॉइड कर सकती हो इस खून खराबे को तो करो

ना होता तो अच्छा होता, ना होता।, अच्छा होता। But आगे आप अगले के हमने देखा इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं कि बच जाता है इसकी कुछ जरूरत नहीं थी थिंक थोड़ा सा इंट्रीक वैल्यू रहने देते तो तो रहने लेकिन आपने कोमे से भी बाहर आते हुए दिखाया शहर को आके वो हेलमेट लेटा हुआ है इतने तो अब हम भी बेवकूफ नहीं है कि मतलब वो खंजर लगने से बच गए और फिर वो लेटा हुआ है तो मतलब इसकी सोचे इसकी जरूरत नहीं थी इसको प्रोमो को बेहतर तरीके से काटा जा सकता है ठीक है जी आमना और कुछ नहीं आपका शुक्रिया इंशाल्लाह मैं और आमना ओह हम ऑन द स्पॉट कर रहे हैं इस हफ्ते बिल्कुल कर रहे हैं ठीक है ओके ऑन द स्पॉट करें तो उम्मीद कर सकते हैं अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा बट इट्स लाइकली दैट इंशाल्लाह ट्यूसडे को आपको ऑन द स्पॉट की एक किस्त नई किस्त देखने को मिले सो डोंट डोंट होल्ड अस टू इट हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कल रिकॉर्ड कर लें और फिर वेंसडे को हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद हॉट बाइट्स और इंटरव्यूज uh, आमना जी कुछ हैं कुछ जी मैं मेरे पास नहीं है आपके पास कुछ है